छोटी सी बिटिया थी कनीज बानो, उनकी 5 से 6 साल की रही होगी। उसने बड़ा शॉकिंग सा स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं करती। Rather than welcome him with a traditional bouquet, let's welcome him with something he loves. Used cloth. मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है जो अपने आप से है, अपने इंस्टीट्यूशन से है, अपने काम से है, अपने देश से है, कि हमको किसी भी गूंज जैसे एफर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। हम तो अभी भी रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि आप यदि एक इस देश में कपड़े पे लग के काम करें, उसके तमाम जो भी उसके डिफरेंट आयाम है, यू नो वेरी वेरियस पार्ट ऑफ दैट, आप सोचिए कि वो एक इतने बड़े अवार्ड तक पहुंच जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं सोचता हूँ इतने साल से, इतने डेकेड से हम लोग लगे पड़े हैं और अभी तक हम लोग बेसिक पे काम नहीं कर पा रहे। अभी कुछ मीडिया के लोग थे, मैं उनसे यही बोल रहा था कि अल्टीमेटली हम मांग क्या रहे हैं सरकारों से। हम कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज मांग रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि हमारी नालियां साफ होनी चाहिए, हमको फुटपाथ पे चलने की इजाजत होनी चाहिए, हमारी बच्ची घर के बाहर सेफ होनी चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जानी चाहिए, एक प्राइमरी स्कूल में एक छोटी सी एजुकेशन मिल जानी चाहिए। आप बहुत आसान है ये सब कह देना कि 100,000 लाइफ चेंज आजकल जुमला है, सो मेनी ऑफ अस यू नो कीप यूजिंग ऑल दिस काइंड ऑफ क्रैप इन अवर प्रेजेंटेशंस। बहुत आसान है ये कह देना कि 20 गांव अडॉप्ट कर लिए। मतलब मैं लोगों से कहता हूं कि यार पूरी जिंदगी में जब तुम एक बच्चे को अडॉप्ट करते हो, पूरी जिंदगी लगा देते हो, वो बच्चा तो तुमसे पलता नहीं। 4 हैंडपंप लगा के 20 पेंसिल बॉक्स बांट के तुम कहते हो कि तुमने गांव अडॉप्ट कर लिया। कभी गांव वाले के पास गए हम और हमने उसको बताया कि भाई हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तब वो तुमको बताएगा कि अडॉप्शन होता क्या है। आप कहते हो 100,000 लाइफ चेंज, मैं कहता हूं यार पूरी जिंदगी अपने पे काम करता हूं, मेरे से अपनी जिंदगी नहीं बदलती, मैं 100,000 लाइफ कैसे चेंज कर देता हूं। अब सवाल यह है कि यह वोकैबुलरी नहीं है, सवाल यह है कि यह सब सोच है और सोच कहीं जाके आपकी वोकैबुलरी पे निकलती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत गलत है, हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। मैं लोगों से कहता हूं कि आपका गुस्सा क्यों शांत हो गया, आपने स्टेटस को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। कभी क्या हमने ये जानने की कोशिश की या सवाल उठाया कि हर एक काली सड़क पर हम टोल टैक्स क्यों दें। हमारी बेंचमार्किंग इतनी लो कैसे हो गई कि यदि घर के आगे आधा किलोमीटर की कोई काली सड़क बनती है तो हमें लगता है वी आर राइट। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की कोई काली सड़क होती है उस पर एक टोल टॉकी वाला बैठा होता है बंदा। मैं अभी कहां इंदौर में था, एक पर्टिकुलर टोल चौकी है उस पे खड़े होकर हम 20 रुपए हमने टोल टैक्स दिया। मैंने लिटरली गाड़ी से उतर के ऐसे खड़े होकर देखा कि भाई इसमें से दोनों तरफ की कौन सी रोड है जो टोल लायक है, दोनों तरफ उतने ही गड्ढे हैं बट आप टोल ले लेते हैं उस पे। मैं लोगों से कहता हूं कि जब रोड बनी थी दैट वॉज माई मनी, द ब्राइड पेड इन दैट एंटायर रोड प्रोजेक्ट वॉज माई मनी, एवरी टाइम इट वॉज रिपेयर्ड इट वॉज माई मनी, एवरी टाइम आई यूज आई स्टार्ट एंड अप पेइंग माई मनी। आप एक रोड बनाइए जहां मैं 100-150 किलोमीटर की स्पीड पर जा सकूं, आप मुझसे टोल टैक्स लीजिए मैं दूंगा। हर एक सड़क पर जिस पर मैं 40-50 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा जा ही नहीं पाता उस पर आप टोल टैक्स कैसे चार्ज कर लेते हैं। अभी आपने वो 0.5% स्वच्छता का समथिंग सेस लगा दिया, मैं आपको भी दिखाता हूं पिक्चर एजुकेशन की जो हम इतने साल से एजुकेशन सेस दे रहे हैं, आई थिंक मिस्टर चिदम्बरम के टाइम से दे रहे हैं हम लोग बहुत साल से, एजुकेशन का क्या हाल हुआ, कोई आंसरेबिलिटी है। वो 0.5% सेस 1% सेस जब आप हम लोगों से लेते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं, वो वापस जनता तक जाता है, हम सवाल पूछ रहे हैं। मैं अक्सर ये जो बॉटल में मिल रहा है वाटर बिल वेयर इट वॉज मेंशन दैट दिस वाटर इज मेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और वॉशिंग यूटेंसिल्स। बताइए हमने जितने लोग हम यहां बैठे हैं हमें से किसी ने आज तक कोई ऐसा पानी का बिल पे किया जिसमें लिखा हो कि ये नहाने और कपड़े धोने का पानी है।
करते क्या है हम लोग टैप वाटर से, या तो कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, नहाते हैं। जब मैं पीने के पानी का बिल देता हूं, मेरे नल में पीने का पानी, बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्यों मैं एक इन्वर्टर खरीदूं, क्यों मैं साउंडलेस जनरेटर लूं, बिजली क्यों नहीं आती मेरे यहां, मैं तो पैसा दे रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि हमने सवाल पूछने छोड़ दिए। प्रॉब्लम यह है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मैं आगे अभी और अपने इसमें छोटी सी स्लाइड्स में प्रूफ करूं, उसने स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपने तरीके निकाल लिए, उसने कोकून में बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि नल में पीने का पानी आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो आरओ सिस्टम खरीद सकता है और 4-5 हजार रुपए उसकी एएमसी दे सकता है और उस बहाने 500 कंपनीज को रिच बना सकता है और वो अपने दुनिया भर में प्रेजेंट। तो ये है जो आज एफिशिएंसी का डंका बजाती हैं, वो अपने काम की वजह से एफिशिएंट है या हम लोगों की इनएफिशिएंसी की वजह से एफिशिएंट है, दैट्स द क्वेश्चन। कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, ओके, आई विल टॉक अबाउट मून, यू नो, बिट अबाउट इट, बट पहले कुछ बेसिक चीजें उठाऊंगा। एक सवाल आप सब लोगों से पूछूंगा, नागपुर के जितने भी लोग, आसपास के जो भी लोग बैठे हैं, जस्ट टू प्रूफ कि हम लोग कहां खड़े हैं, जस्ट टू प्रूफ कि हम कितने बड़े मैस में हैं, विच इज द सेफेस्ट प्लेस इन योर लाइफ? होम, ऑल ऑफ अस। हाउ मेनी ऑफ अस टुडे कैन लीव our 10 to 12 years old daughter or sibling alone at home? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, कुछ शहरों की बात नहीं कर रहा। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10 से 12 साल की अपनी बच्ची जो iPad और ब्लैकबेरी मुझसे अच्छी चला सकती है, जो मुझसे कहीं ज्यादा अवेयर है दुनिया के बारे में, उसको हम अपने ही घर में अकेला छोड़ सकते हैं? मैं घर के बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा, जबकि जब मैं बड़ा हो रहा था, और इफ आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड एंड माई सिस्टर, हमको 7-8 बजे तक कोई खतरा नहीं होता था, और 7-8 बजे भी हमको यदि खतरा होता था तो उस कॉलोनी के कुत्तों से होता था, इंसान से नहीं होता था। बहुत सिंपल है। एक ऐसे घर में जिसके लिए मैं जिंदगी लगाता हूं, सुबह से शाम तक कमाता हूं, मेहनत करता हूं या रिश्वत लेता हूं, जो भी करता हूं, बेस्ट पॉसिबल जैगवार की फिटिंग लगाता हूं, टाइल्स लगाता हूं, सब कुछ लगाता हूं, मेरी अपनी बच्ची आज के टाइम में सेफ नहीं है। मैं क्यों कमा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मैं किस देश की बात कर रहा हूं, यह मेरा सवाल है। बड़े बड़े लेक्चर्स हम लोग बहुत दे सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस पे, सब चीजों पर बात कर सकते हैं, बट आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि वेयर डू वी स्टैंड। कुछ और बुनियादी सवाल हैं। एक ये सोचता हूं करके अपनी फेसबुक पे थोड़ा सा रन करता था, आई एम वेरी कीन ऑन फोटोग्राफी एंड राइटिंग, जस्ट टू ब्रेक सम ऑफ द मिथ्स द वे दिस कंट्री ऑपरेट्स। क्योंकि एक जो सवाल जो बार बार हम कहते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स इस देश का हर जगह जाके ऐश करता है और वो देश हमारे ह्यूमन रिसोर्स की वजह से ऐश करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी हमको गूंज जैसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पे काम करते हैं, और ऐसे हजारों इंस्टीट्यूशन खड़े हो जाए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होती भी नहीं दिखती। यकीन मानिएगा, बहुत आसान है जो मैं कह रहा हूं बार बार 100,000 लाइफ चेंज कहना, बट यदि ईमानदारी से मैं रात को सोते हुए अपना हाथ अपने दिल पे रखूं और ये कहूं कि यार मेरे को 50 लोग बता दो जिनकी जिंदगी मैंने बदल दी पूरी तरीके से गांव में, मुझे याद नहीं आएंगे। और जबकि हम लोग आज कोई 2000 टन के आसपास हर साल मटेरियल हैंडल करते हैं, वी वर्क इन पार्ट्स ऑफ 21 स्टेट्स, इट इज 11 ऑफिसर्स, 300 फुल टाइम पीपल, एब्सोल्युटली डेडिकेटेड पीपल। वो शायद आप लोगों ने, जिसको पता है कि हम अभी दिवाली पे फायर से गुजरे हैं और जिस तरीके से हमारी टीम ने काम किया है, दैट विल शो यू। उसके बाद भी मैं ईमानदारी से ये नहीं कह सकता कि मैंने लोगों की जिंदगियां बदल दी। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स लेयर्स में है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं चार और नजर आती हैं। उसी कंट्री में कुछ मिथ तोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं बांटता रहा प्रसाद मंदिर के भीतर और बाहर कोई गरीब भूख से मर गया। कभी फुर्सत मिले तो बैठना, देश के बारे में कुछ बात करनी है। ये जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिख रही हैं सबको या लाइट्स ऑफ करनी है कुछ? इज इट विजिबल?
ये मुश्किल से पिछले 10-15 साल का कलेक्शन है। हम तो इसी जनरेशन के लोग हैं, तो जो भी ये लोग दावा करते हैं कि देश बदल गया, उनको इस तस्वीरों पे जाना पड़ेगा। हम बहुत माहिर हो चले हैं ताजमहल बनाने में। मैं लोगों से अक्सर पूछता हूं कि तुम क्यों इतने डेस्परेट हो दैट यू वांट टू क्रिएट नंबर वन एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया। जब मुंबई ऊपर से देखते हो तो स्लम दिखते हैं, उतरते हो तो ताजमहल में एंटर करते हो, बाहर दिखते हो तो फिर स्लम दिखते हैं। तो दो स्लम के बीच में ताजमहल बनाने का मतलब क्या है? जितना पैसा हमने उसमें फूका, दो दो शैंडलियर पे शायद आप एक रेलवे स्टेशन चेंज कर सकते थे। 15 किलो का वजन उठाता हूं, पैदल चलने के लिए भी आपने कुछ मशीनें लगा दी हैं। रेलवे स्टेशन पर मेरा परिवार 40 किलो 50 किलो का वजन उठाता है, 70-80 सीढ़ी चढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचता है। वहां पहुंचता है, अचानक आवाज आती है, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। मैं वापस आ जाता हूं। मैंने आज तक कभी सिस्टम की डिमांड की? हैव आई एवर कन्वेड आस्क फॉर टोल्ड पीपल कि यहां पे भी एस्केलेटर की उतनी जरूरत है? देयर हैज टू बी अ सिस्टम जब आप इन्फॉर्म करो। 70 साल के मेरे पिता वहां से कैसे भाग के आएंगे? हैव आई एवर कन्वेड? हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी औकात ये ट्रेवल की थी नहीं? हम तो बचपन में ऐसे देखते रहते थे कि कभी इस पर बैठेंगे। आज भले ही हम इंडिगो के सैंडविच से बोर हो गए हों, बट तब तो हम ऐसे ही बैठा करते थे। जब हम उस चीज से निकल गए, क्या हमने वापस मुड़ के देखा? क्या हमने कभी उस आवाज को उठाया? जब खबरें देखते हुए आंखों से आंसू बह निकले तो समझो देश बहुत बुरे दौर में है। उड़ीसा का बंदा है, ये उसकी मां है। इसी टोकरी में हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद लेके आता है, 7-8 किलोमीटर चलता है कंधे पे रख के। 2008 की पिक्चर है, कोई बहुत पुरानी पिक्चर नहीं है। क्यों आता है? क्योंकि उसको एक PHC में अपनी माँ को दिखाना है। इस देश में कितनी PHC ऐसी हैं जिसमें माँ को दिखाने लायक डॉक्टर बैठते हो? एंड स्टिल इज डूइंग दैट। मिट्टी में संते धूल में गुथते देखा है मैंने बचपन को ईंट के भट्टों पर। दिस इज योर ब्यूटीफुल कश्मीर। हम तो सब गुलमर्ग सोनमर्ग या टेररिज्म या डल लेक के बारे में जानते हैं, ये कश्मीर का हिस्सा है। कभी मौका मिला तो पत्थर के हाथी आसमान छूते पुतलों भव्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजे बनाने वालों से पूछूंगा इसके लिए क्या बनाया आपने। बस चढ़ा ही रहा था एक और चादर मजार पर कि नजर बाहर कांपते एक फकीर पर पड़ गई। पिछले 10-12 साल के अंदर आई लॉस्ट माई फादर एंड देन मॉम ऑल ऑफ ए सडन, और बहुत ही अनटाइमली से चले गए दोनों। मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, दोनों का संस्कार मैंने किया, और जब उनके लास्ट राइट्स होने थे तो मैंने देखा कि एक अच्छी फैमिली है, लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक के बाद एक बेहतरीन शॉल और चादरें चढ़नी शुरू हुई उनके ऊपर। रिचुअल होगा कोई, इतने साल से चला आ रहा है। मैं आज तक उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि एक ऐसे इंसान को जिसको अभी आधे घंटे में, वो भले ही मेरे माँ बाप हैं बट खत्म तो हो गए, आधे घंटे में तो वो राख में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उन पे क्यों चदरों पे चदरे और शॉल पे शॉल चढ़ाए जा रहे हो? जिंदा इंसान को तो शॉल नहीं पहनाते हम। 1991 के आसपास की बात है, उत्तरकाशी हड़े मैसिव अर्थक्वेक। मैं स्टूडेंट था मास कम्युनिकेशन का, क्लासेस बंक की थी, गया था 10-15 दिन के लिए। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर टू द विलेज ऑफ इंडिया, टू द डिजास्टर्स इन इंडिया। ये जो सज्जन है, इन्होंने एक जैकेट पहनी हुई है जो भी आपको दिख रही है, या आलू की बोरी जो खाली होती है जिसको जूट की बोरी कहते हैं, उसकी बनी हुई जैकेट है। अब पैचेस लगाने की भी जगह नहीं है, और ऐसे हजारों लाखों लोग पहनते हैं। इनके हाथ में एक चिट है, द ओनली थिंग ही वाज आस्किंग अगेन एंड अगेन कि मुझे एक गर्म कपड़ा दे दो मैं मर जाऊंगा, मुझे कंबल दे दो मैं मर जाऊंगा। अब मैं तो नया नया अर्बन बच्चा था, मेरी समझ में नहीं आया कि यार ये खाने की बात नहीं करते, रात को रहेंगे कहाँ इसकी बात नहीं करते। 5-5:30 बजे के आसपास जब पहाड़ों में जल्दी अंधेरा होता है, सडनली आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग विद मी,
एंड हाउ डू आई पास माई नाइट. तो आई रैन, और एक उस समय रिलीफ के इतने मैसिव कैंपेन्स नहीं हुआ करते थे, तो एक रिलीफ कैंप में थोड़ी सी जगह मिली. ही टोल्ड मी कि साहब यहाँ पे आपका कंबलों का ढेर है, जितने आपको चाहिए आप ले लीजिए. नवंबर का महीना, उत्तरकाशी की ठंड, जो भी आप लोग शायद उत्तराखंड से वाकिफ हों, और बहुत सारे कंबल मेरे नीचे और ऊपर, लेकिन एक खुला टेंट. दैट पर्टिकुलर नाइट आई रियलाइज व्हाट इज कोल्ड ऑल अबाउट एंड व्हाई दैट गाय वाज इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन कि मुझे गर्म कपड़ा दे दो, मुझे कंबल दे दो, मैं मर जाऊंगा. उसी के आसपास की बात है, कुछ लोगों ने शायद वो स्टोरी सुनी होगी. आई वॉज रोमिंग अराउंड ऑन द रोड्स ऑफ ओल्ड दिल्ली एज ए सो कॉल्ड बडिंग जर्नलिस्ट. एक उसकी पिक्चर यहां नहीं है, कभी उसमें देखिएगा. सडनली आई सॉ ए रिक्शा, और वो बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर थी मेरे लिए. वो पिक्चर थी, एक फॉग था, मिस था, एक बंदा चला रहा था, एक बहुत ही कलरफुल महिला, कपड़ों में महिला, उस पर ठेले पे बैठी थी. आई केम, मतलब आई रैन एंड उसके पास पहुंचा, उसके पास, तो सडनली उसमें देखा लावारिस लाश ढोने वाला, दिल्ली पुलिस सेवा. सडनली अ पिक्चर बिकेम ए स्टोरी. पता लगा कि हबीब भाई हैं, फुल टाइम धंधा अनक्लेम्ड एबंडंड डेड बॉडीज उठाना है. दिल्ली की सड़कों पर लाखों की तादाद में होमलेस लोग हैं. नंबर वेरी करता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कौन सी एजेंसी और सरकार कौन सर्वे कर रहा है, लेकिन सब हजारों लाखों की तादाद में रहते हैं. होमलेस वो है जिसकी जगह स्लम में भी नहीं है, जो किसी फ्लाईओवर के नीचे या फुटपाथ पे सोता है. बहुत सारे लोगों की मौत होती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, राइट फ्रॉम लैक ऑफ अटेंशन, मेडिसिन, फूड टू वॉट एवर. हबीब भाई का काम है, काम था, 10 मार्च को उनकी डेथ हो गई इस साल. बहुत कई कई डेकेड्स तक उन्होंने यही काम किया. हबीब भाई अपनी ब्लाइंड वाइफ आमना बेगम के साथ जाते हैं, उस लाश को उठाते हैं. पार्क में खेलते हुए बच्चे, मॉर्निंग वॉकर उनको इन्फॉर्म करते कि सब ये ऐसे मुल्ला जी लाश पड़ी है, उठा के लाश ले आते थे. हर एक डेड बॉडी का 1991 के आसपास ही यूज टू गेट 20 रुपीज एंड 2 मीटर ऑफ वाइट क्लॉथ. एक हफ्ता बिताया, सुबह सुबह फुटपाथ पे उनके साथ पहुंच जाता था, बैठी उनके साथ ही रहता था, पीता था, और पूरे दिन उनके साथ घूमता रहता था. जहां जहां डेड बॉडीज वो लेने जाया करते थे, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होती थी, जाहिर बात है, क्योंकि रात को मौत ज्यादा होती. दो स्टेटमेंट्स निकले एंड इट वॉज अ वेरी यू नो बिग स्टोरी इन साप्ताहिक हिंदुस्तान इन दोज डेज. आई यूज्ड टू राइट फॉर दैट. हबीब भाई ने कहा कि साहब जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है, कभी कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं. एंड देन आई फाउंड दैट एवरी 24 आवर्स इन द साइकिल ऑफ यू नो जस्ट 24 आवर्स हबीब भाई यूज टू पिकअप 10 to 12 डेड बॉडीज 4 to 5 kilometers की रेंज में जहां उनका रिक्शा जाता था. समर्स में द एवरेज यूज टू बी 4 to 5. छोटी सी बिटिया थी कनीज बानो, उनकी 5 से 6 साल की रही होगी. उसने बड़ा शॉकिंग सा स्टेटमेंट दिया था. उसने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूं. लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती. जस्ट बिकॉज वी नेवर कंसीडर्ड क्लोदिंग एन इश्यू. जब जब हमने कहा 3 बुनियादी जरूरत, हमने कहा रोटी कपड़ा मकान. जब भी हमने कहा डेवलपमेंट इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबिलिटी गोल, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, एनी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यू हैव 100-150 इश्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस टू ग्लोबल वार्मिंग, यू विल नेवर फाइंड क्लोदिंग रिटन एज अ सब्जेक्ट. और मैं यही कह रहा हूं कि हमारे देश की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं. जब आपने इतना बड़ा हल्ला यहां पर मचाया था बर्ड फ्लू का, क्योंकि आपको अपने वैक्सीन बेचने थे, उस साल में हमारे यहां डायरिया, हैजे, इन छोटी छोटी मलेरिया वाली बीमारियों से एग्जैक्टली उतनी ही मौत हुई थी. वो मौत कम नहीं हुई थी, बट हम बह गए थे बर्ड फ्लू में, क्योंकि उस पर इतना पैसा लगा दिया गया था उसके वैक्सीन बेचने के चक्कर में कि हमें लगा कि वही बीमारी है. हम कहते हैं दुनिया बदलना चाहते हो, सुधार क्यों नहीं लेते. 400 बच्चों का मिड डे मील है ये, आपका जो एजुकेशन सेस है उससे दिया जाता है. हम बड़े मजे में बस सिर्फ ये बोल के रह जाते हैं कि सरकार बड़ी निकम्मी है, मिड डे मील ढंग से नहीं देती. मैं कहता हूं किसका बच्चा ये खाएगा. वो आप बाहर यदि पिक्चर देखें तो वो अपने बेटे को शुशु करा रहा है. डेली इसी तरीके से कुक होता है, इसी खाट पे दिया जाता है. 400 बच्चों का मिड डे मील है ये. सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, इफ वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द चिल्ड्रन इन अवर विलेजेस हु आर ईटिंग दिस एंड ग्रोइंग, we need to be worried about the taxes which we pay.
सरकारों की टकसालें नहीं होती, हर जगह नोट नहीं छप रहे, ये मेरे पैसे का चावल है, ये मेरे पैसे का मिड डे मील है। उस ईमानदार आदमी के पैसे का मिड डे मील है जो टैक्स दे रहा है, बिकॉज हजारों लाखों बेईमान तो टैक्स ही नहीं दे रहे, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो मेरे और आपके जैसे लोग तो बहुत ईमानदारी से टैक्स देते हैं, ये उसी का मिड डे मील है। एम आई वरिड अबाउट इट? एम आई रेजिंग इश्यूज? एम आई आस्किंग क्वेश्चंस? नॉट फॉर द सेक ऑफ दैट चाइल्ड बट फॉर माई सेल्फ। ये तो मुझ पर है, मैं इसे कर्ज समझता हूं या मैंने इसे हक का नाम दे दिया है, ये मैं अपने लिए बोलता हूं। मैं एक बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास से आता हूं, उन दिनों में ऑनेस्ट मिडिल क्लास फैमिली एवरेज ही हुआ करती थी। इंडिया में दो तरह की मिडिल क्लास है, हम सभी लोग जानते हैं, तो मैं ऑनेस्ट वाली से आता हूं। 1990 में जिसको एशिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कहा जाता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां आया था टू डू माई जर्नलिज्म, सिलेक्शन हो गया था, अच्छी बात है। The average fees that time used to be or must be about 1,500, 2,000 rupees a month, which is about 20K per annum. The government must have spent about 1 lakh rupees, 1.5 lakh rupees. ये जो इंसान आज आपके सामने खड़ा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो इस देश की सब्सिडी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। क्योंकि यदि वो फीस 1 लाख रुपए होती या 1.5 लाख रुपए होती तो मेरे घर की तो औकात नहीं थी, ना मैं वो IMC का कोर्स करता, ना मैं दिल्ली पहुंचता, ना मेरा विजन इतना बड़ा होता, ना मैं समझ पाता चीजों को, ना जाने क्या होता, किस डायरेक्शन में लाइफ जाती मुझे नहीं पता, हो सकता है इससे बेहतर हो जाती, हो सकता है इससे खराब हो जाती। नटशेल सिर्फ इतना सा है कि मैं इस देश की सब्सिडी खा गया। एवरी सिंगल पर्सन हु इज सिटिंग हियर हैज ईटन अप द हार्ड कोर सब्सिडी ऑफ दिस कंट्री। एवरी सिंगल पर्सन हु इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस VNIT इन नागपुर, IIT, एनी गवर्नमेंट स्कूल इंस्टीट्यूशन हैज एक्चुअली ईटन अप द सब्सिडी ऑफ दिस कंट्री। एवरी सिंगल पर्सन हु हैज स्टडीड इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज अ पार्ट ऑफ द सब्सिडी, क्योंकि किसी करप्ट पॉलिटिशियन ने 1 रुपए में वो सारी जमीन उस इंस्टीट्यूट के नाम कर दी थी, वो भी मेरी ही पैसा, वो भी मेरा ही पैसा था। इस देश के किसान की सब्सिडी माफ नहीं होती, गलत फहमी में मत रहिएगा कभी भी। जब मैं एक एयर कंडीशन बनाता हूं मैं प्राइस फिक्स करता हूं, मैं एक लेमन स्कूल चलाता हूं मैं फीस फिक्स करता हूं, मैं एक थर्ड ग्रेड हैंडीक्राफ्ट बनाता हूं मैं फिक्स प्राइस फिक्स करता हूं, किसान खेती करता है तब भी मैं ही प्राइस फिक्स करता हूं। जिस दिन आपने किसान को मिनिमम वेजेस देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने कहा कि चलो मार्केट का छोड़ो नरेगा के रेट देंगे, 150 रुपए रोज देना शुरू कर दिया, मैं और आप कोई भी इंसान चावल तक नहीं छुपाएगा, यकीन मानिएगा। कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए, किसी भी इकोनॉमिस्ट को बुला लीजिए, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो क्या हमको ये समझ आ रहा है कि जो हम पढ़ाई करते हैं, जिस घरों में हम रहते हैं, वो इस देश की सब्सिडी का नतीजा है? जो खाना खाते हैं उसकी सब्सिडी देश का किसान देता है, हम बदले में क्या दे रहे हैं, सवाल ये है। तो जो भी लोग CSR की बात करते हैं, जो ISR की बात करते हैं, जो हमसे कहते हैं आपने बड़ा त्याग कर दिया, मुझे लगता है क्या बोले चले जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ कर्जा चुका रहा हूं। और जिस दिन हम लोगों को सोने से पहले समझ आ जाएगा कि हम सभी लोग कर्जे में डूबे हुए, उससे अगले दिन से इस देश के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, आप करके देख लीजिएगा इसको। बस सोते हुए जरूर हमें यह एहसास होना चाहिए कि इस देश का कर्जा हमारे ऊपर है। एम्स में पढ़ाता हूं किसी को, जाके US में डॉक्टर बनता है। IIT करता हूं इसलिए कि भाई तुम जरा ढंग का कुछ कर लो, कुछ अच्छे पुल बना देना, वो कोई डोनेशन वाला इंस्टीट्यूट का बंदा पुल बनाता है, ये जाके बिस्किट बेचता है। तो मैं कहता हूं भाई तुम IIT को क्यों स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हो, हम तो ए ग्रेड के इंजीनियर्स निकालना चाहते थे वहां से, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। MBA तो आप बिना IIT करे भी हो सकते हो, बहुत सारे लोगों की बहुत ब्रेन है, ऐसा क्या है? यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंडामेंटली गलत है, हमको नहीं लगेगी एकदम से, क्योंकि सब हमारे अपने बारे में बात हो रही है, हम एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन चीजों को, बड़ी से बड़ी कड़वी सी सच्चाइयां हैं। क्या हुआ भाई? तो हम ये कहते हैं कि 2 ways to operate, sit away, creep, throw stone, criticize और become a part of the process।
व्हाट आई एम टेलिंग पीपल एंड ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको एक 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 प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके इस देश में कुछ सुधार आ सकता है। बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं। अभी कल परसों तक, 3 दिन पहले तक हम बड़े खुश थे कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, बाहर जाके पढ़ाई कर लेंगे। फ्रांस का हाल आपने देख लिया, ऑप्शन नहीं बचे हम लोगों के पास में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि इस देश को हमने सुधार लिया तो बच्चों का भविष्य यहाँ पर है, नई जनरेशन का भविष्य यहाँ पर है। किसी और देश में जाके थर्ड ग्रेड सिटीजन आप कब तक रहेंगे? हमारे यहाँ तो अपने चांस है कि हम इसी देश में फर्स्ट ग्रेड सिटीजन की तरह रहें, प्रोवाइडेड वी मेक इट लाइक दैट। जस्ट इन नटशेल थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ बिफोर आई लीव। तो हम लोग एक गूंज के नाम से चलते हैं और बहुत सिंपल सा काम किया, कपड़ों से शुरू किया। हम लोग कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है, कपड़ा इज हार्डली 40-50% ऑफ द वर्क। द होल आइडिया इज दैट हाउ डू वी रियली क्रिएट अ पैरेलल इकोनॉमी नाउ विद द हेल्प ऑफ द ओल्ड मटेरियल, बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लेवल्स हैं और एक तबके का जो सामान है, जो चीज है, वो एक करेंसी की तरह दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने जब कपड़े को एक इशू बनाने की बात की, वर्ल्ड वाइड की एक इशू बनना बहुत जरूरी है, दो चीजें हमने उसमें और ऐड की। एक हमने कहा कि साहब वेन एवर यू से आई वॉन्ट टू डोनेट क्लॉथ, दैट इज एक्चुअली एन ओवर एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज यू डोंट डोनेट, यू डिस्कार्ड। 1,000 रुपए अपनी पॉकेट से निकाल के दे दूं, डोनेशन है। 10 किलो चावल खरीद के दे दूं, डोनेशन है। ये कुर्ता निकाल के दे दूं जो 2 साल से पहन रहा हूं, ये डोनेशन नहीं है, डिस्कार्ड है। और कपड़े की कहानी बड़ी सिंपल है, पहले मन से गया फिर तन से गया। अच्छा वाला कपड़ा होता है, मन भर जाता है, अगले दिन पहनने का मन नहीं होता, और सबकॉन्शियसली किसी डिजास्टर की वेट करता रहता हूँ कि कहीं आए तो उसको दूं। हम कहते हैं भाई पावर्टी सबसे बड़ा डिजास्टर है, व्हाई डू यू नीड ए फ्लड टू बी फ्लडेड विद क्लोथ्स। और जब हबीब भाई ये बता गए कि 10 से 12 लाश वो 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में उठा लेते हैं और वो एक आम मौत है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, दैट इज नॉट ए डिजास्टर डेथ, वॉट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री? इट इज अ डिजास्टर एंड इट इज ए हाईली हाईली प्रिवेंटेबल डिजास्टर। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि हम चैरिटी के बहुत खिलाफ हैं। हम हमेशा कहते हैं कि चैरिटी वन टाइम हो सकती है, चैरिटी शुड नॉट सस्टेन। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हिंदुस्तान के गांवों को मुझसे बेहतर जानते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं दैट द बिगेस्ट एसेट ऑफ विलेज पीपल इज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, इज देयर डिग्निटी। यू डू नॉट फाइंड बैगर्स इन द विलेजेस, बैगिंग इज अ सिटी फिनोमेना। तो हम में से किसी को यह हक नहीं जाता कि हम गांव के लोगों के साथ, जो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग पुश फैक्टर की वजह से स्लम में आते हैं, हम चैरिटी करें। हमारा मॉडल बहुत सिंपल है, इट इज कॉल्ड क्लॉथ फॉर वर्क। हम देश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम उठा रहे हैं जो लोकल नीड के काम है, लोग उस पर काम करते हैं और बदले में कपड़ा, ओ यू गॉट इट, दिस इज द हबीब, आई डिडंट नो कि इसमें है, दिस इज हबीब भाई एंड हिज ब्लाइंड वाइफ आमना बेगम एंड दैट रिक्शा, दैट्स माई डॉटर बट ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज। हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। साल में करीब 1,500 से 2,000 हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज करते हैं उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड का शॉट है जहां पर बहुत सारी महिलाएं मिलकर एक सड़क पूरी बनाती हैं आफ्टर दी 2013 फ्लड्स। ये कोई 2 किलोमीटर की एक सड़क है पोस्ट कोसी फ्लड 2008। 2,000 लोग पूरे दिन के लिए इकट्ठा होते हैं, लोकल रिसोर्सेज, लोकल विजडम, और एक 2 किलोमीटर की सड़क बनाते थे। 2,000 पीपल ऑफ विलेज, यू कैन इमेजिन वॉट कैन दे डू। एक प्रॉपर कच्ची सड़क बना देते हैं, मोटरेबल सड़क बना देते हैं। द मोमेंट द रोड इज मेड, वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द लोकल गवर्नमेंट एंड से कि साहब 50-60% काम हमने कर दिया। क्योंकि आई थिंक इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम गवर्नमेंट के बारे में क्रिप कर सकते हैं बट एज ए सिटीजन हम अपना रोल प्ले नहीं करते। म्यूनसिपलिटी को गालियां दे सकते हैं बट कचरे को अपने घर में सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हम लोगों का मॉडल बहुत सिंपल है कि पहले सिटीजन अपना काम करेगा, उसके बाद सरकार से कुछ मांगेगा, और वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें बड़ा कन्विक्शन होता है। तो ये आज आप यदि जाएंगे तो उसी पर्टिकुलर जगह पे एग्जैक्टली सेम कर्व, यू हैव ए प्रॉपर ब्लैक टार रोड विच इज देन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। बट जितनी पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें बेसिकली मटीरियल इज ए करेंसी, पीपल वर ओनली एंड ओनली पेड इन मटीरियल, नॉट इन मनी। 240 फीट बाई 6 फीट का स्ट्रॉन्ग स्टडी ब्रिज, आप अपनी बाइक लेके इसको क्रॉस कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट व्हाट वी स्पेंड वॉट 2,250 रुपीज, एवरी सिंगल पर्सन कंट्रीब्यूटेड अ बैम्बू और टू एंड अ फ्यू डेज ऑफ लेबर। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो बिकॉज व्हेन यू मेक इट यू मेंटेन इट, देयर इज अ सेंस ऑफ ओनरशिप। अगेन जब वो ब्रिज बन गया उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से प्रेशर डालना शुरू करा। आज यदि आप उस सुखासन नाम का एक गांव है उसमें जाएंगे तो 2 लेन का प्रॉपर मोटरेबल ब्रिज है उसी सड़क पर। यह एक डिफरेंट तरह की एडवोकेसी है जिसमें हम सिर्फ नारे नहीं लगाते,
हम पहले करते हैं और फिर अपना हक मांगते हैं। कुएं ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर रहे हैं, आज आपके लिए हैंडपंप आसान है, उतनी ही डेप्थ में जाते हैं पानी निकालने के लिए और एक हैंडपंप लगा के आ जाते हैं, आधा इंच का वैक्यूम क्रिएट होता है, वो हैंडपंप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हम कह रहे हैं कुएं क्यों नहीं रिवाइव हो रहे, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली रिवाइविंग ऑल काइंड ऑफ वेल, वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू वेल। ये सालिडाना मध्य प्रदेश का वेल है जिसमें बाद में पानी निकलने के बाद वी स्पोक टू द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल, एंड उसके बाद ये प्रॉपर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया बाय द गवर्नमेंट। ईस्टर्न इंडिया द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इज दिस पॉन्ड। बहुत चालाकी से इसकी 10 फीट की दूरी पर एक हैंडपंप लगाया जाता है, पंचायत, एनजीओ, कॉर्पोरेट, जो भी लगाना चाहे, क्योंकि वाटर लेवल इतना हाई होता है कि उसमें खर्चा ही नहीं आता, 3,000-3,500 रुपए में हैंडपंप लग जाता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल आर अल्टीमेटली ड्रिंकिंग द सेम वाटर। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट यूजिंग द लोकल रिसोर्सेज, क्लीनिंग ऑल दीज पॉन्ड्स ऑल अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया इन मैनी स्टेट्स। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारे रिकॉर्ड में ये सिर्फ क्लॉथ फॉर वर्क की तरह एक एंटर्ड थी कि हमने कुछ प्लांटेशन किया है सुंदरबन एरिया। नाउ राइट नाउ इफ यू गो ऑन अवर फेसबुक, वी आर एवरी फ्राइडे वी आर डूइंग दिस 100 स्टोरीज ऑफ चेंज। तो हम अपने 16 साल के काम में वी आर जस्ट ट्राइंग टू गो बैक एंड सी कि हमने कुछ इम्पैक्ट किया भी है कि नहीं किया। वी वेंट बैक टू सुंदरबंस, एट द सेम प्लेस वी फाउंड दैट देयर वाज अ ब्यूटीफुल 1 lakh स्क्वायर फीट ऑफ मैंग्रोव्स। ये जो आपने अभी सेलेक्टेड अर्थिंग की बात की सर, बैटरी जो सैनिटरी नैपकिन की बात की थी आज से कोई आप मतलब जस्ट आई हैव 10 मिनट्स, ओके श्योर। तो हम लोगों ने 2004-05 के आसपास एक मुद्दा उठाया था, वी सेड कि क्लोथिंग का तब तक हमें समझ आ गया था कि बहुत ही ग्रिम सिनारियो है। वी रेज अ वेरी बेसिक इश्यू बाय सेइंग दैट एवरी सिंगल वुमन अक्रॉस द ग्लोब नीड्स अ पीस ऑफ क्लॉथ, वेरी टैबू सब्जेक्ट, वी डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। आप मार्केट से बेस्ट पॉसिबल वो अल्ट्रा थिन प्रोडक्ट भी खरीद के लाते हैं, वो भी एक ब्लैक पॉलिथिन और न्यूज पेपर में रैप्ड होता है, मतलब ब्लैक पॉलिथिन देख के सबको पता होता है इसके अंदर क्या है, बट तब भी वो ब्लैक पॉलिथिन में पैक होता है। इट इज ए कल्चर ऑफ शेम एंड साइलेंस। अवर क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल कि यदि आपके पास पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है तो आप इस मंथली नीड के लिए कपड़ा कहां से लाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट 2004-05 इफ यू गो ऑन गूगल विच इज द इंफॉर्मेशन गॉड, यू टाइप सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन, यू फाइंड ऑल द पॉसिबल टैम्पॉन्स एंड कप्स एंड गुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, नॉट इवन ए सिंगल मेजर रिसर्च इन इंडिया, नो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नो सोल्यूशन। वी वर शॉक्ड एंड सरप्राइज क्योंकि हमें लगा कि ये देश तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, माइक्रो फाइनेंस का है, आंगनवाड़ी का है, एवरीवेयर द टारगेट इज वुमेन, नो वेयर वी स्पीक अबाउट द सैनिटरी पैड। वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री टू अंडरस्टैंड इश्यू क्या है। Some of the findings: they use the dirtiest piece of cloth because for them it's a synonym of dirt. They wash it; they cannot dry it in sunlight because of obvious reasons. Washing itself is a problem क्योंकि अभी जो public taps लग रहे हैं वो public convenience के नाम पे public space पे लग रहे हैं. There is no privacy. Then we found you have 2 to 3 women in the family. Their cycles are different. They're sharing the same piece of cloth. सुंदरबन डेल्टा में लोगों ने एक एक साल से एक कपड़ा रखा हुआ, इट हैज बिकम स्टोन बिकॉज देयर इज नो एक्सेस ऑफ क्लॉथ। इट इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज वुमेन इन मैनी मैनी विलेजेस। गांव की बहुत सारी महिलाएं मिलकर एक कपड़े को कहीं पर छुपाती हैं, जिसको इस्तेमाल करना होता है वो इस्तेमाल कर लेती है और रख देती है। मिलियंस इज अ वेरी स्मॉल थिंग इन इंडिया, मिलियन पे हम ना जाए, करोड़ों महिलाएं इस देश की राख, रेत, मिट्टी, घास, पुआल, बोरी के टुकड़े, दरी के टुकड़े, पुराने अखबार, यूज किया हुआ सैनिटरी पैड, प्लास्टिक शीट से लेकर गाय का गोबर, दिस इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन योर ब्यूटीफुल कंट्री, नॉट बाय अ स्मॉल नंबर। सम सर्वे से 82% ऑफ इंडियन वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू द सैनिटरी पैड। मैं इस देश की रिसर्च पे बहुत विश्वास नहीं करता, वो तो इलेक्शन के रिजल्ट्स हमको बता ही देते हैं कि कितने फेक और बेकार किस्म के लोग हैं जो रिसर्च करते हैं। एक ही रिसर्च है जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है, उसमें पिछले 20 साल से फेल हो रहे हैं ये लोग। यदि हम उस रिसर्च पे ना भी जाएं और यदि हम देश की आधी आबादी को भी माने,
हमारे देश की आधी महिलाओं की आबादी इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ मेनी मेनी अदर कंट्रीज। तो मैं सोच रहा हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं, किस देश में विमेन राइट्स की बात कर रहे हैं। वी हैव केस वेयर अ लेडी यूज्ड अ पीस ऑफ ब्लाउज व्हिच हैड अ हुक, शी डाइड ऑफ टेटनस। वी हैव अ केस वेयर अ सेंटीपीड एंटर्ड इन द यू नो इन तमिलनाडु एंड द लेडी डाइड। एंड वी नो दैट द biggest number of uterus removal right now, which is the biggest racket in this country, 10,000 रुपए में आपका uterus निकाला जाता है। ये fake quick doctor जो निकाल रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से निकाल रहे हैं, because the moment an infection happens, because of lack of this piece of cloth, you are told that you have cervical cancer or the cancer will set in, and exactly at the childbearing age your uterus is removed। मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ कि हमारे देश के issues बहुत basic हैं और बहुत जरूरी है कि हम उनको समझें और उन पर काम करें। आज आप जितने लोग बैठे हैं, हम सभी लोगों की लाइफ में कम से कम देर आर 5 वेमेन, चाहे वो हमारे घर का कचरा उठाती हूँ, चाहे प्रेस करती हूँ, चाहे बर्तन मांजने आती हूँ। एक बार जाके आज इतना जरूर कर लीजिएगा, आज और कल के बीच में, कि उन पाँचों महिलाओं से पूछ लीजिएगा बारीकी से कि वो क्या इस्तेमाल करती हैं। बड़ा प्राइवेट सा इशू है, कोई नहीं बताएगा आपको पहली बार में, कोई नहीं कहेगा कि वो कपड़ा रीयूज करता है या कुछ यूज़ नहीं करता। थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, यदि हम वहाँ से एक चेंज की शुरुआत करें, इट कैन रियली बिकम ए बिग चेंज। हम लोग इस पर काम करते हैं, हमारे लिए ये टूल है, AAA बोलते हैं हम इसको, अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस। इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट फॉर अस, ऑल्दो देर आर थिंग्स वेयर से इन अबाउट 2,000 रुपीज वी कैन टेक केयर ऑफ 5 विमेंस एनुअल नीड as a part of it, where we also create undergarments with the old hosiery material and it goes with lot of information and all, wo sari cheeze website pe available hai, but hamare liye tool hai just to open up the subject. Ek aur initiative chalate hain school to school ke naam pe, kyunki logon ne kaha ki education isliye hamper karti hai kyunki teacher student ratio kharab hai ya infrastructure nahi hai, education policy kharab hai. Maine logon se pucha ki bhai urban school mein jate hain, jisko badkismati se hum private स्कूल होता है, मतलब ये हिंदुस्तान शायद अकेला देश होगा यूके के बाद जहां पे प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल बोलते हैं। तो उसी प्राइवेट स्कूल में हम जाते हैं, हर दूसरा बच्चा चश्मा पहने हुए होता है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन किड्स वेयरिंग ग्लासेस इन द गवर्नमेंट स्कूल और द म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स, जबकि चांसेस वहां के बच्चों की आंख खराब होने के ज्यादा हैं। Education is hampering because there is a difference in the teacher-student ratio, or education is hampering because the child cannot see. हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने लोगों ने ट्रक ड्राइवर्स को चश्मा पहने हुए देखा, जबकि ट्रक ड्राइवर्स की आंखें खराब होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। एक्सीडेंट इज हैपनिंग बिकॉज अ डॉग कम्स ऑन द रोड और द रोड्स आर बैड और बिकॉज अ ड्राइवर कैन नॉट सी। फिर कह रहा हूं हमारे देश के इश्यूज बिल्कुल अलग है, बहुत बेसिक है, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। हम मटेरियल पे काम करते हैं, बच्चों तक मटेरियल ले जाते हैं, अर्बन स्कूल से बहुत सारा जमा करते हैं, लेके जाते हैं, चैरिटी की तरह नहीं बांटते हैं, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में चैरिटी का सबसे बड़ा विक्टिम बच्चा है। 5 साल की उम्र में आप उसको बांटना शुरू कर देते हैं, बचा हुआ खाना देना शुरू कर देते हैं, हम बड़े डिग्निफाइड तरीके से देते हैं। वी सी वेदर द किड हैज टेकन ए बाथ और नॉट, बच्चा किताबें कैसे रखता है, बहुत ही एटिकेट बिहेवियर के इश्यूज होते हैं, एंड देन द किड्स आर रिवॉर्डेड विद द मटेरियल। आंगनवाड़ियों की तस्वीरें बदल रही हैं जस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ओल्ड टॉयज। आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे पुराना मटेरियल इतना बड़ा रिसोर्स बन सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट केम अप वेयर दे सेड कि पहले बच्चा आता नहीं था, अब बच्चा जाता नहीं, और डिफरेंस सिर्फ 70-80 खिलौने। और ये वो सारे एफर्ट्स हैं जो आप नेक्स्ट डोर खुद कर सकते हैं, इसमें गूंज की कहीं जरूरत ही नहीं है। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप आइडिया कॉपी कीजिए, उसमें अपनी विजडम ऐड कीजिए, करेक्शन कीजिए जो हम लोगों से गलती हो गई हो। बस ये लास्ट तस्वीरें हैं मेरी। ये बच्चा इस देश का सभी जानते हैं, सबने देखा है इस बच्चे को, चेहरा अलग हो सकता है। मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि जब आप इस बच्चे को देखते हैं, What is that first sentence word comes in your mind? Let's talk. Last 3 pictures, nothing else. Bechara aur dar aur grief. Sorry?
लाचार, भारत का भविष्य, हाँ मैंने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रहेगा जी, सॉरी डार्क फ्यूचर, व्हाट आई डू, पुअर, बच्चा गरीब है और वाई, ये वही बच्चा है जिसके हर संडे को जाके दो बूंद पोलियो की ड्रॉप इसके मुंह में डाल के आते हैं, ये वही बच्चा है जिसको अष्टमी नवमी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि सात देवियां बैठी होती हैं, आठवां देवता चाहिए होता है और हमें आठवीं बार छोले पूरी खिलाने चाहिए क्योंकि हमें तो पुण्य कमाना है उस दिन, सप्तमी को भूखा मरे हमें मतलब नहीं है, भूखा नंगा बेचारा, हमारी वोकैबुलरी में जितने शब्द हैं वो इस बच्चे पे लागू है, कोई पॉजिटिव वर्ड तो आता नहीं। व्हाट डू यू से अबाउट दिस किड, गरीब है। दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ अ स्मॉल थिंग मैटर्स। ये यदि बेचारगी है जो ये जो है ये कॉन्फिडेंस है, ये गरीब हो सकता है बच्चा बट भूखा नंगा बेचारा नहीं है। इट इज मच इजियर टू टेक दिस किड टू द स्कूल। व्हाट डू यू से अगेन, मैं बहुत सारे जब स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूं उनको बोलता हूं कि साहब एक गांव में आपको रिसर्च करनी है, एक हफ्ता बिताना है, इज ही द राइट पर्सन टू सिट विद, डज ही हैव लॉट ऑफ विजडम, विल ही बी एबल टू टेक यू, आई मीन टेल यू अ लॉट, विल यू स्टे विद हिम, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद हिम, विल यू हैव फूड एट हिज होम। दिल पे हाथ रखेंगे तो ना ही निकलेगा यदि सच्चाई से बोलेंगे। अब अंकल हो गए, काका हो गए, कपड़े के साथ में विजडम भी आ गई, रहना पड़ा तो रह लूंगा, हिंदी में बात करूंगा उधर कहूंगा इसको, इधर कहूंगा इनको, माई लैंग्वेज चेंजेस। मैं यदि अभी कुछ फटे पुराने कपड़े पहन के आता तो वो दरबान वहां पे घुसने नहीं देता मेरे को, यदि चाय पीते हुए चाय यहां गिरा लेता मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता। इफ समथिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी, हाउ कम दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, दैट इज अ क्वेश्चन। लुक एट हिम, मैंने मुझे लगा तीनों जनरेशन दिखा देते हैं आपको, इनके बारे में क्या बोलेंगे आप, मजदूर है। तो मैं अभी कहीं पूछ रहा था, शायद बॉम्बे में एक एसपीजन में लेक्चर था, मैं उनसे पूछ रहा था कि जो बाहर तुम्हारे वड़ा पाव का इतना बड़ा जॉइंट है और बड़ा फेमस जॉइंट है, उसके फ्रंट में ये बंदा बैठ के वड़ा पाव खा रहा है, तुम जाओगे? बस स्टैंड पे ये बंदा खड़ा है, तुम उसके बगल में जाके खड़े होगे? शराबी बोलते हैं, दुनिया भर का नेगेटिव बोलते हैं, हाँ मेंटली अनस्टेबल, दाढ़ी बढ़ गई है, टी शर्ट फट गई है, व्हाट एल्स डू यू नीड टू से दैट? व्हाट डू यू से? जस्ट ए पेयर ऑफ क्लॉथ, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।